हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। माई सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर निकल के आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों, रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कोरोना संदिग्ध मानते हुए इन्हें पिछले दिनों में रिम्स में भर्ती किया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन्हें COVID-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1765 के पार चला गया है। वहीं 905 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर निकल के आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर। दोस्तों, 34 साल के सुशांत ने रविवार सुबह बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गजों ने दुख जताया। हालांकि धोनी और उनकी पत्नी साक्षी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर निकल के आ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर हैंडल पर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत के असमय निधन के बारे में सुनकर वो एकदम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की तथा ये भी लिखा कि भगवान उनके परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, आज की चौथी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इस दौरान वे कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। झारखंड समेत 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के CM एवं उपराज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री 16 जून को बातचीत करेंगे। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री का ये संवाद काफी अहम है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, आज की पांचवी या अंतिम खबर निकल के आ रही है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को लेकर। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल के टीचर सरकारी मध्य विद्यालय के हेडमास्टर बन सकेंगे। उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा के लिए शिक्षक को कम से कम 10 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। खाली पदों में से 20% पद निजी स्कूलों के शिक्षकों से भरे जाएंगे और शेष 80% मध्य विद्यालयों के शिक्षकों से, पर ये भी परीक्षा में बैठेंगे। दोस्तों, ये था आज का टॉप 5 न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।